जिसमें समस्त ब्रह्मांड समाया हुआ है। ओम जो हिंदुओं का सर्वाधिक पवित्र शब्द तथा ईश्वर का वाचक है। ओम या ओंकार का नामांतर प्रणव है। ओम के उच्चारण उसकी ध्वनि से वातावरण शुद्ध हो जाता है, सकारात्मक ऊर्जा का निर्माण होता है, पवित्र वातावरण का अनुभव होता है। ओम मंत्र जाप से हम ध्यान की स्थिति में पहुंच जाते हैं, जो हमें असीम शक्ति प्रदान करती है। ओम का क्या अर्थ है जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर। विंध्य पर्वत को एक बार ये भ्रम हो गया था कि उससे विशाल कुछ भी नहीं। देवर्षि नारद नारायण का नाम लेते लेते विंध्य पर्वत पहुंचे तो विंध्य ने उनसे अपनी मन की बात कह दी। नारद ने भांप लिया कि उन्हें अहंकार के आकाश से धरती पर लाने की आवश्यकता है। अतः नारद ने उन्हें अपनी विधि से दिशा दिखाने का निर्णय लिया। उत्तम, अति उत्तम। यदि तुम्हें ऐसा प्रतीत होता है तो अति उत्तम। केवल एक समस्या है। समस्या? हाँ, ये कहने में मुझे प्रसन्नता नहीं हो रही है कदापि, किंतु सबसे विशाल पर्वत तुम नहीं हो। संभव है कि मेरा ये कथन सत्य ना हो, किंतु नहीं देवर्षि, आप सदैव सत्य ही कहते हैं। कृपया करके मुझे बताइए कि मुझसे भी अधिक विशाल पर्वत कौन सा है। मेरू पर्वत। मेरू? यदि मैं सबसे विशाल नहीं तो बन तो सकता हूं। मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए, कोई युक्ति बताइए मुझे। नारायण नारायण, मुझे आपको सत्य बताना नहीं चाहिए था। कितने व्याकुल हो गए हैं आप, आपकी दशा मुझसे देखी नहीं जा रही है। देव ऋषि, कृपया विलंब ना कीजिए और मुझे बताइए इस सृष्टि का सबसे विशाल पर्वत बनने के लिए मुझे क्या करना होगा। देखिए, ये तो तभी हो सकता है जब आप पर किसी की कृपा दृष्टि हो, आपको कोई वरदान प्राप्त हो। तो बताइए किसकी आराधना करूं मैं? मैं अवश्य करूंगा, पूरी निष्ठा से करूंगा, पूरी श्रद्धा से करूंगा। तो आप महादेव की तपस्या कीजिए, उनकी आराधना कीजिए। नारायण नारायण। और इस प्रकार देवर्षि नारद ने विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित किया। नारद विंध्य को महादेव की आराधना करने हेतु प्रेरित नहीं करता, ऐसे कैसे हो सकता था। विंध्य ने महादेव की आराधना आरंभ की। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विंध्य ने महादेव की कठोर तपस्या की और महादेव प्रकट हो गए। ओम नमः शिवाय। उठो विंध्य। प्रभु,
तपस्या सफल हुई ना? हाँ बिंद, तुम्हारी तपस्या अवश्य सफल हुई। मांगो मनवांछित वरदान, मांगो। प्रभु, मैं आपकी कृपा से विशाल तो हूं पर मैं सबसे विशाल बनना चाहता हूं। मेरी ऊंचाई किसी को भी प्राप्त ना हो, मेरा शिखर सबसे ऊंचा हो। किंतु क्यों बिंद, तुम तो इस संसार के सबसे विशाल पर्वतों में से एक हो। यही तो प्रभु, मैं विशाल पर्वतों में से एक नहीं, सबसे विशाल बनना चाहता हूं। यदि आप मुझे ये वरदान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं प्रभु, मैं वर्षों वर्षों तक ये तपस्या करता रहूंगा और एक न एक दिन आपको पुनः यहां आना ही होगा। उत्तम। ये हुई ना बात विंध्या, उसके बाद क्या हुआ ऋषि प्रहलाद? उचित है विंध्य, तुम कितने विशाल होना चाहते हो? मैंने कहा ना प्रभु, सबसे विशाल। किंतु आज मैं भले सबसे विशाल पर्वत बन जाऊं पर कल कोई मुझसे भी बड़ा हो जाएगा। प्रभु, आप मुझे ये वरदान दीजिए कि मैं अपनी इच्छा अनुसार अपनी विशालता बढ़ा सकूं, उसकी कोई सीमा ना हो। उचित है बिंद, मैं तुम्हें तुम्हारा मनोवांछित वरदान अवश्य दूंगा, किंतु मेरा एक कथन स्मरण रखना। इस सृष्टि में सबके आकार का अपना महत्व होता है, अपनी उपयोगिता होती है। तुम्हें सुनिश्चित करना होगा बिंद कि तुम्हारे किसी भी कृत्य से इस संसार के समक्ष कोई समस्या उत्पन्न ना हो। अवश्य प्रभु, इस संसार में एक पर्वत की विशालता से कोई संकट कैसे आ सकता है प्रभु? प्रभु प्रभु, वरदान देने में अब विलंब ना कीजिए। अवश्य विंध्या, जैसी तुम्हारी इच्छा, तथास्तु। हमें लगता है कि आक्रामक होने से हम जो चाहते हैं वो हमें मिलेगा, परंतु ऐसा होता नहीं है। अहंकारी को केवल उसका अहंकार दिखता है, सत्य नहीं। चाहे वो कीटक हो या पर्वत, मनुष्य हो या महादानव, उसकी चेतना की विशालता का उसके शरीर की विशालता से कोई संबंध नहीं होता। विंध्य पर्वत ये समझ नहीं पाया, वो विशाल होता गया। शीघ्र ही पृथ्वी पर सबसे विशाल हो गया। किंतु उसके मन में आया कि कहीं दूसरी ओर मेरु पर्वत भी वरदान पाकर बड़ा हो गया तो? फिर वो और विशाल होता चला गया। और अंत में इतना विशाल हुआ कि पृथ्वी पर उसका भार असह्य हुआ। मां, मां पर फिर मां ने क्या किया? केवल पृथ्वी देवी ही नहीं, अभी तो इंद्रादि देवता भी महादेव के पास पहुंच गए। प्रभु, विंध्य ने इतना विशाल रूप धारण कर लिया है कि उसके भार को सहन कर पाना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा है प्रभु। शीघ्र विंध्य के लिए पृथ्वी पर कोई स्थान नहीं रहेगा। प्रभु, अब तो मुझे भी भय हो रहा है कि कहीं मैं विंध्य के शिखर से
टकरा ना जाऊं। मुझे भी यही भय है प्रभु। ये आपने कैसा वरदान, कैसा अद्भुत वरदान दिया है आपने प्रभु। यदि वरदान इतना अद्भुत है तो निहित उद्देश्य भी अवश्य ही होगा। किंतु प्रभु अब बाण तो निकल चुका है, अब क्या होगा? अब समय आ गया है। आज्ञा दीजिए प्रभु, क्या करना होगा? विंध्य को और विशाल बनना होगा। किंतु देवराज, जो बाण निकल चुका है उसे वापस खींचा नहीं जा सकता। किंतु फिर भी दिशा तो दी जा सकती है। नारायण नारायण। अद्भुत बन गया ना सबसे विशाल। हाँ हाँ, विशाल तो अवश्य, किंतु सबसे विशाल कहना उचित होगा या नहीं ये तो क्यों, मुझसे अधिक विशाल कौन है इस पृथ्वी पर? विंध्य, अब तुम केवल पृथ्वी पर नहीं रहे, तुम्हारी विशालता आकाश तक पहुंच गई है, इसलिए तुलना के मापदंड परिवर्तित हो गए हैं। अब केवल पृथ्वी को मत देखो, देखो तो इन ग्रह नक्षत्रों को देखो, वो तो तुमसे विशाल हैं। और फिर त्रिदेव, त्रिदेव तो, और त्रिदेवों में महादेव। सब कहते हैं कि महादेव से विशाल कुछ भी नहीं है। उचित कहते हैं आप देवर्षि, मैंने तो इस पर विचार ही नहीं किया था। मुझे सबसे बड़ा होना है, महादेव से भी विशाल। नारायण नारायण। और इस प्रकार विंध्य का आकार सबसे विशाल हो गया। फिर विंध्य ने ऊपर देखा, मुझसे भी ऊपर ये क्या दिख रहा है? समान भी नहीं हूं। संभव कैसे है ऋषि विप्लात? तुम यह कहना चाह रहे हो कि समस्त सृष्टि महादेव के रुद्राक्ष के अंदर है? यह
ये तो मैं नहीं जानता, मैं वहां कभी गया ही नहीं। ऋषि पिपलाद, तुम ये कहना चाह रहे हो कि त्रिदेवों में महादेव सबसे विशाल है? आप अभी भी नहीं समझ रहे हैं लोहितांग, है ना? आप अभी भी ब्रह्मदेव, नारायण और महादेव में भिन्नता ढूंढ रहे हैं। विंध्य ने वही देखा जो उसे उस समय देखना आवश्यक था। लोहिता, एक और आप कह रहे हैं कि आप त्रिदेवों की पारस्परिक निर्भरता को समझ रहे हैं, परंतु क्या आप उसके अर्थ को भी समझते हैं? जिस क्षण आपको ये अर्थ ज्ञात हो जाएगा, उसी क्षण आप ये समझ जाएंगे कि विंध्य को ब्रह्मदेव, नारायण या महादेव में से कोई भी दिख सकता था। महादेव का रुद्राक्ष दिखा, परंतु उसे उस स्थान पर नारायण का सुदर्शन चक्र या ब्रह्मदेव का ब्रह्म कमल भी दिख सकता था। महत्वपूर्ण ये नहीं, महत्वपूर्ण था तो केवल इतना कि विंध्य को अपनी नगण्यता का बोध हो, और वही हुआ। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मुझे अपनी मूर्खता का बोध हो गया, मुझे ज्ञात हो गया। प्रभु, मैं अहंकार में अंधा हो गया था, मुझसे ये वरदान वापस ले लीजिए। प्रभु, वापस ले लीजिए। प्रभु, मैं धन्य हुआ प्रभु, आपने मुझ जैसे भ्रमित को दिशा प्रदान की। मैं धन्य हूं। पेंद, सुख आंतरिक होता है, संतोष आंतरिक होता है, उन्हें बाहरी तत्वों से रेखांकित और परिभाषित नहीं किया जा सकता, आकाश से नहीं पाया जा सकता। आकार के आधार पर केवल अहंकार ही उत्पन्न होता है, क्योंकि आकाश से तुलना करने का संदर्भ प्राप्त हो जाता है। यदि तुम्हारा आकार छोटा है तो तुमसे भी छोटा कोई ना कोई अवश्य होगा, और यदि उसी प्रकार तुम विशाल हो तो तुमसे भी विशाल इस संसार में कोई ना कोई अवश्य होगा। इसीलिए शरीर या आकार की तुलना करना कभी भी शाश्वत सुख का आधार नहीं बन सकता, संतोष का आधार नहीं बन सकता। मैं पथभ्रष्ट हो गया था प्रभु, केवल अब सत्य जान रहा हूं। प्रभु, ऐसी दिशा दिखाइए कि पुनः कभी मैं भ्रमित ना हूं। क्या यह संभव है प्रभु? तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है ओम। क्या था प्रभु? मुझे सर्वत्र ओम की ध्वनि गुंजायमान होती प्रतीत हो रही है। मुझे ओम के अर्थ से अवगत कीजिए प्रभु। हम सब कहते हैं ओम नमः शिवाय, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम विष्णवे नमः। इनमें ओम क्या है प्रभु? मुझे इसका अर्थ समझाइए। ओम का शब्दार्थ नहीं,
क्योंकि वस्तुतः ओम शब्द ही नहीं, शब्द सृष्टि में और सृष्टि से बने, और ये वही बता सकते हैं जो सृष्टि में है, किंतु समस्त सृष्टि ओम में है। इसलिए ओम शब्द अतीत है, इसका अर्थ जाना नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जा सकता है। और ओम का अनुभव तभी होगा जब व्यक्ति के मन में कोई विचार, कोई इच्छा, कोई स्वप्न, कोई अपेक्षा ना, मन पूर्णता शांत हो, स्मरण रहे विंध्या, ओम का निर्माण नहीं किया जा सकता, न किया गया है, क्योंकि सृष्टि की निर्मिति ही ओम से हुई है। प्रभु क्षमा करें, किंतु सृष्टि के आरंभ में तो केवल त्रिदेव थे। त्रिदेव और ओम पृथक नहीं है, अपितु ओम का उच्चार हम तीनों का उच्चार है। ओम के उच्चार से सभी त्रुटियां, मानसिक विकृतियां, हर वंदन का अंत हो सकता है। इसलिए हम तीनों से पूर्व ओम का उच्चार किया जाता है। सच्चे मन और एकाग्रता से यदि ओम का उच्चार किया जाए तो हम तीनों की अनुभूति एक साथ एक स्थान पर हो सकती है। शिवलिंग स्थापन करें और सदैव यहां उपस्थित रहे और मुझ जैसे भ्रमितों का मार्गदर्शन करें। इस लिंग को ओंकारेश्वर के नाम से जाना जाएगा। की प्रबलता गृहस्थ के लिए अत्यंत तीव्र है। से प्रकट हुए इस लिंग को अमलेश्वर के नाम से जाना जाएगा और ये दोनों एक दूसरे को संतुलित रखेंगे और जो भी यहां आएंगे उनकी ऊर्जाएं भी इन दोनों लिंगों के दर्शन से संतुलित होंगी। ओम मंत्र का नियमित जाप करें और अद्भुत शक्ति अपने अंदर समाहित करें। ओम नमः शिवाय।